आइए बनिए बेजुबानों की जुबान अस मनत भारत भर भ्रमंती करना एक पर्यावरण प्रेमी जो पुनिया आला पुण्य तब्बल एक महीन दोन हजारों घरटी पक्षियों बांधले है नेमका तो व्यक्ति कौन जो अक्खा भारत भर भ्रमंती करता है हम उनसे ही बात करेंगे सर आप पूरे भारत भर भ्रमंती कर रहे हैं पर्यावरण का संदेश दे रहे हैं और पक्षी पशुओं के लिए आप घरटे बांध रहे हैं किधर से कैसी शुरुआत की परिंदों के लिए परिंदा अभियान नया अभियान नहीं है दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें कही जा रही है की जा रही है देखी जा रही है वो सब पहले कही सुनी देखी और आ, अमल में लाई जा चुकी हैं हम लोग सिर्फ हमारे महापुरुष जो हुए हैं हमारे पुरखे जो हुए हैं हमारे जो महान परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाने का माध्यम चुन रहे हैं एक नए तरीके से उसका नाम हमने दे दिया परिंदों के लिए परिंदा अभियान हमारे पूर्वज हमारे गाँव में बुज़ुर्ग लोग ऐसा काम करते रहे हैं हम नया नहीं कर रहे हैं हम केवल कॉपी कर रहे हैं अपने बुजुर्गों की तो हम लोग पिछले शुरुआत की लगभग हम लोगों ने पिछले अठारह बीस साल से हम लोग परिंदों के लिए परिंदा अभियान लगातार चला रहे थे राजस्थान में लेकिन अभी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के लगभग दस लाख प्रजातियाँ पेड़ पौधों की और पशु पक्षियों के समापन के कगार पर दिखाई दी तो हम लोगों को लगा कि अन्य प्रदेशों की स्थिति जाननी चाहिए हम लोगों ने महाराष्ट्र की स्थिति जानी है मैंने यहाँ काम किया है आपको जानकारी में होगा पिछली बार माननीय वन मंत्री के रूप में आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी की सरकार में मुझे कार्य करने का अवसर मिला और उस समय का अनुभव आज काम आया कि यहाँ पर अनेक पशु पक्षियों के पेड़ पौधों की प्रजातियाँ समाप्त होने के कगार पर है तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने यहाँ पर परिंदों के लिए परिंदा अभियान चलाया पिछले साल भी हम लोगों ने श्री कल्पतरु संस्थान और वंडरलैंड के सहयोग से यहाँ पर जो अभियान चलाया उसमें भी एक लंबा अनुभव रहा तो कई लोग जुड़े हैं लॉकडाउन में जैसी जगह में जैसे हालातों में हम लोगों ने काम किया यहाँ पर हमारी टीम ने लेकिन आज यहाँ पर हजारों लोग जुड़े हैं पुणे ही नहीं पूरे प्रदेश में धीरे धीरे इसका संदेश जा रहा है और यहाँ पर लगभग एक महीने से अभियान चल रहा है जिसमें लगभग दो हज़ार हमने लगाए हैं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक पक्षी ने जन्म भी हमारे एक परिंदे में लिया है तो उसके लिए भी आपको बधाई और आज आप मनोबल बढ़ाने आए हैं उसके लिए बधाई किस 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 राज्य में आप गए और इस तरीके से परिंदों के लिए काम कर रहे हैं घंटे लगा रहे हैं मैं सात साल की उम्र में घर छोड़ दिया तब से लगातार ये काम कर रहा हूँ तो लगभग बाईस राज्यों का मुझे अनुभव है अभी तक हम लोग ये इस वर्ष से हम बाईस राज्यों से बाहर निकल के तेरह देशों में काम हमने शुरू किया है और बिना किसी सरकारी अनुदान के किया है कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई बड़े मंत्री केंद्र के लोगों के साथ काम करने का अवसर मिल रहा है उनका बड़प्पन है मेरे जो छोटे जो बागवान है पूरे हिंदुस्तान में कितने घंटे बाईस स्टेट में मैं गया हूँ और ये लाखों पर इन्हें लगाए हमने लाखों की तादाद में लगाए अठारह साल का तो काउंट करना बड़ा भारी है और 50 लाख वृक्षों का रिकॉर्ड हमने भारत सरकार को दिया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी की सेवा में अभी हम लोग दिल्ली जा के हमारा सारा मसौदा प्रस्तुत करने वाले हैं और मुझे आशा है कि वे राजस्थान से आते हैं जमीनी स्तर के नेता हैं और निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण और संवेदन की टाइगलैंड रखिए तो आपने बाईस से ज्यादा राज्यों की पानी किए दौरे किए वहाँ की पशु पक्षियों की माहिती भी लिए पर किस राज्यों में पशुओं के लिए किस संख्या कम है किस निदर्शन में आपके आया रहेगा कि यहाँ पर पशुओं की संख्या कम हो रही है यहाँ पर काम करना चाहिए वो कौन से राज्य मुझे महाराष्ट्र की चिंता ज़्यादा है राजस्थान जैसा सूखा प्रदेश की अपनी कहानी थी लेकिन वहाँ एक परंपरा थी शुरू से लगाते आ रहे थे लेकिन महाराष्ट्र में जो पर्यावरण संरक्षण का वन्य जीव संरक्षण का जो कार्य है उसको जमीन स्तर पर करने की अब थोड़ी आवश्यकता बढ़ रही है सिर्फ सोशल मीडिया तक जिम्मेदारों का काम देखा जा रहा है लगातार केवल चाहे आपकी मुड़ा मुठा नदी की बात हो कोई और नदी की बात हो वन्य जीवों की बात हो पर्यावरण संरक्षण की बात हो चाहे किसी सरकारी योजना की बात हो हर लोक कल्याणकारी योजना जब तक जनता जनार्दन की सहभागिता उसमें नहीं होती तब तक वो लोक कल्याण का साधन नहीं बन पाती है केवल वो आपके मंत्रालय तक सीमित रह सकती है विधानसभा तक सीमित रह सकती है या चार मिनट के लिए सोशल मीडिया पर सीमित रह सकती है लेकिन जमीन स्तर पर लगना चाहिए तो यहाँ मुझे लगता है कि ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है महाराष्ट्र में संभावनाएं देखता हूँ और क्या कार्य क्या कार्य करने की जरूरत है किन पशियों की कमतरता इस महाराष्ट्र में आपने कहा कि महाराष्ट्र में काम करने की ज़रूरत महाराष्ट्र में जो प्रजातियाँ आज के आपके दादाजी के समय जो देखी जाती थी आज उनका अभाव हो गया है आप नहीं देख पा रहे हैं आने वाले समय में वैसे ही पेड़ पौधों की प्रजातियों की हालत है आने वाले समय में आपके बच्चे बच्चे पोते पोती उन प्रजातियों को नहीं देख सकेंगे जीवों के लिए बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हम सबको आगे आने की आवश्यकता है मैं क्या कर सकता हूँ सरकार क्या कर सकता है समाज क्या कर सकता है समानांतर सोच के साथ हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है उद्दिष्ट क्या है ये सारे चीजें कर रहे हैं आपके इसके पीछे का मकसद क्या है मकसद सिर्फ यही है परोपकाराय पुण्याय पापाय पर हम परोपकार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं क्या हमारे राणा जी हमारे स्वाभिमान हैं हमारी आन बान शान हैं और राणा जी ने जो सिखाया है अपनी इस मातृभूमि के लिए इस समाज के लिए देश के लिए मानवता के लिए जो करना है इसी तरह से महापुरुषों की हमारे पूर्वजों की जो परंपरा है उसके आगे पथ पर हम बढ़ रहे हैं और लगातार अच्छे लोग मिलते जा रहे हैं और पुणे तो फिर पुण्य नगरी पुण्य नगरी पुण्य तो नगरी में अभी आपने ठीक है कहा है कि हमने दो हज़ार से ज़्यादा ये पेड़ पक्षियों के पक्षियों के लिए आपने ये लगा दिए आगे जाके किस तरीके से काम करना चाहते हूँ अभी महाराष्ट्र में मुझे जिस तरह का जोश मैं देख रहा हूँ लोगों में स्पेशली यूथ के अंदर जो जोश देख रहा हूँ और जहाँ पर मीडिया को लोगों को बुलाना पड़ता है लेकिन मीडिया चल करके आ गया मुझे ढूंढ करके कि ये अच्छा काम हो रहा है तो ऐसी संभावनाएं जहाँ मिल रही है जहाँ मीडिया का आपको खुल करके सपोर्ट मिल रहा है जहाँ निस्वार्थ भाव से जनता जुट रही है जहाँ पर ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं आपको कुछ न कुछ सहयोग करने आ रही हैं तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि अन्य जगहों पर भी संदेश गया है हम लोग आगे भीड़ में औरंगाबाद में चंद्रपुर में हम लोग बल्लारपुर में नासिक में और भी कई सारे जगहों पर इस अभियान को अगली बार पुणे में खास करके आपने जो दो हज़ार ये गेटे लगाई है वो सोसाइटीज़ में या कुछ हम लोगों ने है पा नॉट ओनली इन सोसाइटी पार्कों में गए हैं सोसाइटी में गए हैं यहाँ सब के सबके पास गए हैं हम नेताओं के पास अधिकारियों के पास किसानों के पास गरीबों के पास झोंपड़ियों में हम लोग यहाँ के आपकी मूड़ा मुठा नदी के किनारों पर बहुत जगहों पर गए हैं तो हर कोई हमने नहीं छोड़ा क्षेत्र जहाँ इसकी संभावना आवश्यकता लगी वहाँ हम गए हैं भारत के महान क्रांतिकारी परिवारों के जो वंशज हैं जो महान क्रांतिकारियों के जो वंशज हैं वो वो भी पुणे में रहते हैं तो उन लोगों को भी हमने वीर सावरकर परिवार हो चाहे वो लक्ष्मीबाई का परिवार हो चाहे वो राजगुरु का परिवार हो शहीद विष्णु गणेश पिंगले का परिवार हो okay. उनको भी जोड़ने का काम का किया अशा अपन ठिकाणी हि घरटी बनू म्हणजे अशा पद्धति ने प्राणी साढ़ी विशेषतः घर स्वरूपत घर बनवने लाच पद्धति से तब्बल पुने शर एक महीन दौन हजार अधिक घरटे आनी देशभर में लाखों स्वरूप एक एकट युवक ने तैयार के लिए हा युवक पर्यावरण प्रेमी आनीवरण ता संदेश तो देशभर भ्रमंतीदेखी करता है सज्जा सैय्यदी भारत पुने